जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 9 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा व शुभ ग्रहों की दृष्टि से आज 12 में से 6 राशि वालों को आर्थिक लाभ के योग हैं। तो इन 6 राशि वालों में आज है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, शुक्रवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत आद्रा नक्षत्र से होगी और मिथुन राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातःकाल 5:29 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 7:22 पर होगा। और आज राहुकाल प्रातःकाल 10:42 से आरंभ होकर के तो दोपहर 12:26 तक राहुकाल रहेगा। तो आज राहुकाल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। और आज दिशा शूल रहेगा पश्चिम दिशा में। तो आज के दिन आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। पश्चिम दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करके अथवा इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा प्रातःकाल 11:58 से आरंभ होकर के तो दोपहर 12:53 तक सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस समय अवधि में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन आपके लिए विशेष सतर्कता वाला दिन रहेगा और आपको खान पान में आज संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। बाहरी खान पान से बचना आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो ऑफिस में आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई गलत कार्य कर सकते हैं। इस मामले में आप विशेष रूप से सतर्क रहें। आज आपका खर्च भी पहले से अधिक हो सकता है और घर के छोटे सदस्यों के साथ अधिक वक्त अवश्य बिताएं। उन्हें आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता रहेगी और परिवार में सभी लोग हर मामले में आपका पूर्ण समर्थन देंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी को लाल चुनरी अर्पित करें, गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, लाल पुष्प चढ़ावें और ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन हर मामले में आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा और आज प्रेम और दाम्पत्य जीवन में अलग प्रकार की खुशी रहेगी। पार्टनर के साथ आपका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है और आज आपके परिवार में दिन उत्साह भरा रहेगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन कुछ असमंजस वाला हो सकता है। मुनाफे के रास्ते में अड़चने आपको आ सकती है। इस मामले में अनुभवी लोगों से सलाह लेने पर आपका मामला सुलझ जाएगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात यथाशक्ति माता लक्ष्मी जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, अनार का पुष्प अनार का फल चढ़ा करके ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज के दिन हर मामले में विशेष सतर्कता बनाए रखें और आसपास के लोगों से बहस में नहीं उलझें।
किसी वजह से कहासुनी आपकी हो सकती है। आज के दिन आपको किसी शुभ मांगलिक कार्य में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। दूसरों की मदद से दिन को सुकून प्राप्त होगा। आज आपका कोई पुराना रुका हुआ कार्य आरंभ हो सकता है। रुपए पैसों के लेन देन में आज आपको थोड़ी सतर्कता बरतना चाहिए तो आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को केसर मिले हुए दूध से स्नान करावें। वस्त्र लाल वस्त्र अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, सफेद मिठाई का भोग अर्पित करके ओम श्रीय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज विपरीत लिंगी के साथ आपका दिन बेहद अच्छा कटेगा। ईमानदारी से बनाए गए रिश्ते लंबे समय तक आपके चलेंगे। आज कुछ लोगों की किस्मत चमक सकती है। परिवार वालों के मामले में आपकी आज किसी के साथ बहस हो सकती है। बेहतर होगा कि मिल बांट करके बैठ करके बात करें, किसी भी मसले का हल निकालें, सोच समझ करके कार्य व्यवहार करें तो आप सफल रहेंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। लाल पुष्प की माला अवश्य चढ़ावें। पंचमेवा का भोग लगा करके ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा। काफी मेहनत करने के पश्चात किसी परिणाम तक आप पहुंच पाएंगे। पार्टनर के साथ शाम का समय अच्छे से व्यतीत होगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और आपके संबंधों में सुधार आएगा। किसी से बहसबाजी नहीं करना चाहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो ऑफिस में अन्य सहयोगी आपके रुतबे को देखकर ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं और आपका अच्छा व्यवहार सबको आज संतुष्ट रखेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 86% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। सफेद मिठाई और लाल पुष्प अर्पित करें और ओम कमलवासिनी नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आपके लिए आज का दिन खुशगवार रहेगा। आज आपको बार बार लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। आज के दिन आपका दोस्ती यारी और रिश्तेदारी में पैसा खर्च हो सकता है और आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। सभी लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग का आज पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। जीवन की दिशा नया मोड़ ले सकती है। यात्रा आपके लिए सफल रहेगी और ईमेल या SMS के जरिए कोई जरूरी संदेश आपको मिल सकता है। जमीन जायदाद के कागजों में दस्तावेज के प्रति सतर्क आज रहें तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें, लाल पुष्प की माला चढ़ावें, अनार का फल चढ़ा करके ओम श्रीय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी।
अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है और आज आप हर मामले में काफ़ी एक्टिव रहेंगे। आज सभी प्रकार की पैसों की परेशानियां काफ़ी सुलझ जाएगी। हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान निकलेगा। आज के दिन किसी खास व्यक्ति से परिचय होने से आपको बिजनेस में फायदा हो सकता है। आज आपको चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। किसी खास चीज़ के गुम होने का दुख आपको हो सकता है, तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, आटे का शुद्ध घी का दिया जलावे, मिश्री का भोग अर्पित करें और ओम कमलवासिन्ये नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आपके लिए आज का दिन खास होने वाला है। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको विशेष प्रकार की सफलता प्राप्ति के योग हैं और आपके अच्छे व्यवहार से नए मित्र आपके बनेंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू आप कर सकते हैं। आज परिवार में जीवन साथी और बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। आप कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं। यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो ऑफिस में जो बदलाव होंगे वह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेंगे। आपके काम भी बनते नजर आएंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावे, शुद्ध जल अर्पित करें, लाल वस्त्र, लाल पुष्प और अनार का फल चढ़ा करके ओम श्रीम श्री नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें आज खास सफलता प्राप्ति के योग हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का अनुभव आपको काफी फायदा दे सकता है, मगर इस मामले में आपको धन खर्च करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई लिखाई में दिल लगेगा। जीवन की दिशा नया मोड़ ले सकती है। स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, लेकिन खान पान में सावधानी बरतने से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी के मामले हल होंगे और आपको मुनाफा मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, लाल चुनरी, श्रीफल और सुपारी अर्पित करें, मिठाई का भोग लगा करके ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज के दिन आपके घर परिवार या फिर ऑफिस में छोटे मोटे विवाद सिर उठा सकते हैं। आपकी सूझबूझ से जल्द ही सब मामले निपट जाएंगे। आज के दिन आपको बढ़ते खर्च पर लगाने की आवश्यकता रहेगी। आज आप अधिक मेहनत करेंगे और अपने व्यवहार में सुधार करेंगे तो काफी फायदे में रहेंगे। वरिष्ठ सदस्यों तथा बुजुर्गों को किसी वजह से चिंता अधिक सता सकती है। आज के दिन आपकी उलझनें कम होगी और काम भी आपके समय पर पूरे होंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात कच्चे दूध में केसर व हल्दी मिला करके माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अर्पित करें, शुद्ध जल अर्पित करें, गुलाब का इत्र चढ़ावें और अनार का फल अर्पित करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज हर मामले में दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। काफ़ी प्रयास करने के पश्चात ही किसी मामले में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे।
करेंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे तो विद्यार्थी वर्ग को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ मिलेगा। मेहनत से सभी काम अच्छे नतीजे निकालेंगे और यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो ऑफिस में नए साथी काम में हाथ बटाएंगे। आपको परिवार में पिता और पत्नी का पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। आज के दिन घर बनाने में व्यस्त रह सकते हैं या किसी नए काम में आप व्यस्त ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज आपको भाग्य का साथ 71% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की तस्वीर अथवा मूर्ति की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। गुलाब का पुष्प, गुलाब का इत्र अर्पित करें। मिठाई का भोग लगा करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आपके लिए आज का दिन काफी लक्की साबित होगा। बिजनेस और निवेश के मामले में आज भाग्य का साथ आपको मिलेगा। खास लोगों से मुलाकात करने से मन संतुष्ट होगा। घूमने फिरने और मनोरंजन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। डेली रूटीन और खाने पीने का पूरा प्रोग्राम व्यवस्थित तरीके से बनाएं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आपके सहयोगी आपके काम में मदद करेंगे, लेकिन किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाएं वरना आपको परेशानी अधिक हो सकती है। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पंचमेवा का भोग अर्पित करें। श्रीफल चढ़ावें। लाल पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।